हमारे टीवी चैनल ओ टी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद लंदन से अपने ब्लॉक लंदन टॉक के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं आज मैं अपनी गुफ्तगु का आगाज एक ऐसी बात से करने वाला हूं कि जिसने पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज कर दी हैं जी हाँ है, जैसा कि आपने सुना कि जुमे के, के रोज़ पाकिस्तान के वज़ी अजम इमरान ख़ान ने कौम मुतहदा की जनरल असम्बली के छिहत्तरवें इजलास से खताब किया ये खिताब वीडियो लिंक के जरिए था लेकिन इस वीडियो लिंक के खिताब ने भी पूरी दुनिया को हला कर रख दिया एक ऐसा तारीखी खिताब के जो शायद दुनिया के किसी भी लीडर ने मुता की जनरल असम्बली के इस इजलास में किया हो नाजरीन चौहत्तरवें इजलास में दो हजार उन्नीस में मैं खुद भी अका मुतहद में इजलास की कवरेज कर रहा था और मेरे सामने एक शेर धाड़ रहा था वो इमरान खान था और उस वक्त इंडियन मीडिया के लोगों के चेहरे देखने वाले थे हमारा सर फखर से बुलंद हुआ था इमरान खान ने वो भी एक तारीखी खताब किया था आज अव मतहद का यानी जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उससे एक रोज़ पहले अकवा मुतहद की जनरल असम्बली का छहत्तरवा एजाज था और आपने देखा कि दर दीवार पुकार रही थी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है और रन काँप रहा था वजी अजम पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में लीडरशिप आ चुकी है पाकिस्तान चढ़दा सूरज बन गया है दुनिया का चढ़दा सूरज आज पाकिस्तान बन गया वजीर अजम पाकिस्तान ने दुनिया दस दिता कि सुनो अगर तुमने अफगानिस्तान में अमन कायम ना किया तो पूरी दुनिया की दहशत गर्दी की लहर एक मरतबा फिर इस खत्े को अपनी लपेट में ले लेगी और ये बड़ी ताकतों के लिए एक ऐसा खतरे का सायरन बजा दिया इमरान खान ने कि जिन जिस जिसको सुनकर बड़ी ताकतों के कान खड़े हो गए होंगे और अब वो इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान को एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर माना जा सके इमरान खान ने जो तारीखी खिताब किया अकोम मुतहदा की जनरल असम्बली के छहत्तरवें अजलास से इससे पहले मियाँ बीमार शरीफ भी इसी जनरल असम्बली के अजलास से खताब कर चुके हैं लेकिन आप देखिए फर्क क्या है जब पाकिस्तान के वजीर इमरान खान ने अजलास से खताब किया वीडियो लिंक के जरिए तो हाल में पाकिस्तान के वजी खारजा शाह महमूद कुरेशी पाकिस्तान के मुश्तक मंदूब मिस्टर मुनीर अकरम और वो तमाम डिप्लोमेट्स वहाँ मौजूद थे जिनकी मौजूदगी ऐसे अजलास में हुआ करती है लेकिन मियाँ बीमार शरीफ जब अमदा की जनरल असम्बली से अजलास करने आते थे पहले तो पर्चियाँ तो टटोलते रहते थे फिर इंग्लिश के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते रहते थे और मौजूद कौन होता था इनकी अहलिया मा बेगम कुलसूम नवाज शरीफ और इनकी बेटी जिसके पास किसी किस्म का कोई डिप्लोमेटिक नहीं था मरियम सफदर अवान वहां मौजूद होती थी और कोई ऐसा सफारती नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं होता था कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके क्योंकि मियाँ बीमार शरीफ ने वजारत खारजा का कलम दान किसी को दिया ही नहीं था एक डमी वजीर खारजा के तौर पर एक एडवाइजर के तौर पर इन्होंने एक शख्स को रखा हुआ था जो कि फॉरन ऑफिस के आप सब जानते हैं कि पुराने थे, लेकिन खारजा का कलमदान अपने पास संभाल कर रखा हुआ था हालांकि सफारतकारी इनके दूर तक भी इनके करीब से नहीं फटकी थी ये तो खद्दे खाने वाले सिरी पाए खाने वाले पलवान टाइप बंदे थे और अवाम मुतहदा की जनरल असम्बली में उस वक्त सरबराहान अमरिकत कर देखा करते थे कि इनका खानदान वहाँ पर होता था यही जिसको मैं कहता हूँ सारा टब्बर चोर है ये सब वहाँ बराजमान होते थे और ये पर्चियाँ निकाल के आप सबको मालूम है कैसे तकरीरें किया करते थे और प्रेजिडेंट ओबामा के सामने किस तरह इन्होंने पर्चियाँ निकाल के पसीने पूछते हुए बातें की थी तो आज इमरान खान की तकरीर सुनकर ये बात वाज हो गई कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है और पाकिस्तान को एक सच्ची और मुखलिस क्यादत जो है वो मैसर है अब हम आज के दूसरे मौजू की तरफ आते हैं मरियम सफदर अवान साहबा ने आज अपने वालदे मोहतरम मिया बीमार शरीफ के बयानी की नफी कर दी और यह कह कहकर पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया कि एक्सटेंशन देने में जो मुस्लिम लीग शामिल थी मैं उसका हिस्सा नहीं थी मैं तो कहा करता हूं आप नन्नी मुन्नी काकी हैं कि आप उस एक्सटेंशन वाले बयानिए का हिस्सा नहीं थी आप क्या कर रही थी जी उस वक्त लंदन में जब आपके वालद ने तमाम मुस्लिम लीग को लाइन आजर कर लिया और कुरान पर हलफ उठाकर यह हलफ लिया गया कि एक्सटेंशन के, के मामले में मुस्लिम लीग नून खामोश रहेगी आज आप कहते हैं कि मैं उस मुस्लिम लीग नून की हिस्सा नहीं थी तो आप कौन सी मुस्लिम लीग की इस वक्त हिस्सा थी क्या कैप्टन सफदर अवान ने को मुस्लिम लीग बना रखी थी या कोई ऐसी मुस्लिम लीग उस वक्त कायम थी जो किसी गैरेज में बनी हुई थी क्योंकि आप खुद भी तो गैरेज वाली मशहूर है तो कहां थी आप उस वक्त और अब भी आपके वालद जो है वो तमाम मुस्लिम लीग को यहां बुलाना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं असल में वो तस्मे बंधवाना चाहते हैं असल में वो उसी बयानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसकी आप नफी कर रही हैं हैरत है बाप की बात से फिर गई इसलिए कि आपके चचा जो हैं वो मिनते तर्रे कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको उजारते उजमा में हिस्सा दिया जाए और आपको याद नहीं है कि आपके चचा आपके वालिद को बताए बगैर कोविड जब शुरू हुआ कोरोना वायरस आखिरी फ्लाइट पी ये की तो तीन बजे फ्लाइट थी आपके चचा ने ग्यारह बजे आपके वाले को बताया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं क्योंकि उनको किस उनके बकौल पाकिस्तान के दो बड़े साफियों ने वजीर अजम बनने की खुशखबरी सुनाई थी तो नाज़िन जो मैं पहले अपने प्रोग्रामों में ये प्रडिक्शंस कर चुका हूँ कि इनकी लड़ाई शिदत अख्तियार कर चुकी है और एक तरफ छोटे मियाँ वजीर अजम बनने के ख्वाब देखने के लिए हर तरह के बयानी को कबूल करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ मरियम सफदरवान अपने वालद के किए हुए बयानी से ही मुकर गई हैं लेकिन ये तो खैर इनकी पुरानी आदत है मैं तो इनको कहा करता हूँ झूठ बोलनी है झूठिए वो एक तराना तो और था लेकिन वो इन पर फिट होता है झूठ बोलनी है झूठी है सर्जरी वाली है मुझे तो समझ नहीं आती कि जब ये झूठ बोलते हैं तो इनके चेहरे की झुरियां जो है वो और नुमाया हो जाती एक मरतबा आपको याद है इन्होंने कश्मीर के अंदर एक तस्वीर बनाई थी खुद गर्मियों के कपड़े पहने थे अब्बा जान को लंबा कोट पहना दिया था इसी तरह यह बयानी है, है असल में मैं आपको बताऊं कि ये कर क्या रहे हैं ये पाकिस्तान की आवाम के साथ एक और धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं बेटी कहती है कि मैं एक्सटेंशन वाली मुस्लिम लीग में नहीं थी अच्छा वो कौन सी मुस्लिम लीग थी चचा कहते हैं कि मैं स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी तरह के मुताबिक एन आर तो आप एन आर ओ तो आप भी कई मरतबा मांग चुकी हैं तड़प रही हैं माही है बे की तरह कि किसी ना किसी तरीके से लंदन पहुंच जाए लेकिन बदकिस्मती से आप तो अपने बेटे की शादी में भी शरीक नहीं हो सकी क्योंकि वो खैर शादी भी तो वीज़े के लिए थी और अभी तक हमारी इतरात के मुताबिक आपके बेटे को वीज़ा नहीं मिला स्पोर्ट्स वीज़ा नहीं मिला तो आज आपका बयानिया सुनकर पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी ही हैरान हुई है कि आप उन बातों से मुकर रही हैं जिन बातों की बुनियाद ही आपकी पार्टी है आपकी पार्टी तो है ही इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार आप कहते हैं कि हमने एक्सटेंशन की जो मुस्लिम लीग ने जिसने हमायत की मैं उसका हिस्सा नहीं थी तो आपकी पार्टी ने तो हमेशा जो है वो एक्सटेंशन की हमायत की है आपके वालद जो है मुझे खुद याद है मैं रिपोर्टर हूं मैं रिपोर्टिंग करता रहा मुझे खुद याद है कि आपके वालद जो है वो जनरल मरहूम जया शहीद की कब्र पर खड़े होकर कस्बे खाया करते थे अवाम को ये कहा करते थे कि जो जियालाक का मिशन है वो मेरा मिशन है लेकिन आपका पूरा खानदान झूठों का खानदान है आप झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं मेरे जैसे जो नाकस राय रखने वाले तालब भी जो सहाफत के हैं वो आपको पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए आपको गिट्टों से गिट्टों से पकड़ना समझते हैं आप कि आपकी वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जिसमें आपने झूठ ही झूठ बोले और शायद मेरी आने वाली जो दूसरी किताब होगी यह किताब तो मेरी आ रही है सारा टब्बर चोर है और दूसरी जो किताब होगी उसका नाम मैंने अभी से सोच लिया है उसका नाम झूठों की नानी होगा या नानी चार सौ बीस होगा आप कैलबरी फ्रांड में बेईमानी करती हैं आप लोगों की बेहुदा वीडियो बनाने में माहिर हैं और आज आप ये कह रही हैं कि मैं उस मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थी कि अच्छा ख्वाजा आसफ़ जो गड़गड़ गड़ गड़ गांव गांव हैं वो आपके क्या रखते हैं क्या वो उस मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थे मेरे सामने वो लंडन आए और इसी उसी रात इन सब से हलफ लिया गया कि एक्सटेंशन के मामले में नहीं बोलेंगे आप तारीख को मस्क करती हैं आपके ख़ानदान का काम है तारीख को मस्क करना और मुद्दा गायब करना लाश को टिकाने लगाना लेकिन अब आपके अंदर से ज्यादा बदबू आ रही है लोगों को पता चल गया है कि असल में आपका चेहरा क्या है लोगों को आपकी हकीकत पता चल चुकी है अब मजीद झूठ नहीं चलेगा और आप मैं आज बता रहा हूं आप आज ही आने वाला इलेक्शन हार चुके हैं क्योंकि आज अपने बाप के बयानियों से ही बयानियों से ही मुकरना इस बात की निशानी है कि आप आने वाले इंतबात में अपनी शिकस्त को देख रही हैं और आपके गिलास पानी लाल दुपट्टा मलमलदा कोई चीज काम आने वाली नहीं है और आवाम आपको यक्सर मुस्रद कर देगी आपको अब आवाम पहचान चुकी है और उनको यह पता चल चुका है कि आप झूठ बोलने में माहिर हैं देखेंगे एक्सटेंशन फिर आने वाली है आप उस वक़्त किस मुस्लिम लीग का हिस्सा होंगी मुस्लिम लीग शीन होंगी या मुस्लिम लीग सफदरवान होंगी या मुस्लिम लीग गाफ होंगी गाफ यानी गैरेज वाली और अगर आप एक्सटेंशन के मौके पर मुस्लिम लीग गैरेज वाली हुई तो फिर हम ये मान लेंगे कि आपका बयानिया ये नहीं है कि एक्सटेंशन दी जाए लेकिन मैं आज इस प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि आप उस वक्त भी वही बोलेंगी जो आपके मुफादात में होगा क्योंकि आप मुफादात की खातर रिश्ते बदल देते हैं आप मुफादात की खातर अपने बच्चों को बच्चियों को भेंट चढ़ा देते हैं तो आपसे यह बाइ नहीं है कि आप कभी भी सच बोलेंगी और कौम के सामने सच लाएंगी अदालतों में जाके आप कहती हैं कि मेरे वकील को पेचस लग के हैं हम हाजिर नहीं हो सकते लेकिन आप की सजा का अमल शुरू है और जैसा कि मैं कहा करता हूं आप अल्लाह की पकड़ में हैं और सख्त पकड़ में हैं और नाजर जिस तरह मैंने के मैंने अपनी गुफ्तू के आगाज में कहा था आज इमरान खान ने पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में मुकीम झूठों की नानी ने अपने बाप के बयानी को यकसर मुस्रद करके अपना सर भी शर्म से झुका लिया है इस नारे के साथ अपने मेजबान इमदाद हुसैन को इजाजत दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें